अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं हूं आचार्य पंडित शंकर मिश्र। प्रभा साक्षी के न्यूज नेटवर्क पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 में किन राशियों को लाभ मिलेगा, किन राशियों का नुकसान होगा और क्या क्या आपको उपाय करने होंगे, मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक आपको महीने महीने बताता जा रहा हूं। आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के। मेष राशियों के लिए जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 तक, जुलाई में ही मंगल जो है नीच का होगा। जैसे ही हम जुलाई में प्रवेश करेंगे मंगल नीच का होगा और मेष राशि वालों के लिए दशम भाव में शनिदेव वक्री होके बैठे हुए हैं, वहीं एकादश भाव में गुरु बैठा हुआ है। तो मेष राशि वालों के लिए ये जुलाई का जो महीना है ये चिंता बढ़ाने वाला होगा। नए काम की शुरुआत आप सोच समझ के करेंगे। वहीं हम अगस्त की बात करें, अगस्त में मेष राशि वालों को किसी भी रिस्क लेने से बचना है, किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। सितंबर की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कार्य की बढ़ोतरी होगी, आमदनी के नए स्रोत का विकास होगा। अक्टूबर में यात्रा करना पड़ सकता है, यात्रा में देरी हो सकती है और यात्रा करने के दौरान चोट चपेट की घटनाएं आपके साथ घट सकती है। वहीं नवंबर में मेष राशि वालों का प्रदर्शन अच्छा होगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, व्यापारियों को नए कार्य का अवसर प्राप्त होगा। वहीं दिसंबर की बात करें तो संतान से कुछ मतभेद हो सकता है और आप इस साल ये ध्यान रखेंगे मेष राशि वाले कि जो जुलाई से दिसंबर के बीच का समय है आप किसी भी नए कार्य का शुरुआत नहीं करेंगे और आप अगर इन दुष्प्रभावों से बचना चाहते हैं, ग्रहों का जो गोचर है इससे बचना चाहते हैं, अगर इसके दुष्परिणाम आपको नहीं अगर लगेंगे, आपको इसके लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना होगा और मंगलवार को हनुमान मंदिर की का दर्शन करें। वृक राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो है नवम भाव में यानी कि भाग्य भाव में गोचर करेगा, अतः भाग्य भाव में गोचर करने से वृक राशि वालों के लिए क्या होगा, यह समय जुलाई से दिसंबर 2020 तक बहुत ही लाभ देने वाला होगा। कोई नए काम की शुरुआत करेंगे इन्हें सफलता मिलेगा। जुलाई की बात करें, तनाव डिप्रेशन जैसी स्थिति बन सकती है, नए विवाद उत्पन्न हो सकते हैं, अतः आप पैसे का सोच समझ के इन्वेस्ट करें। किसी चीज में अगर इन्वेस्ट करना है जुलाई के महीने में तो आप सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, जुलाई के अंत तक आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। वहीं अगस्त की बात करें तो जो व्यापार करते हैं और नौकरी करने वाले, नौकरी में तरक्की मिलेगी, प्रमोशन के योग बन रहे हैं। वहीं आपको कुछ विरोधियों का सामना करना पड़ेगा, ऑफिस में आपके जो कलीग वगैरह हैं वो आपकी टांग खींचने का प्रयास करेंगे या फिर आपकी बुराई आपके बॉस आदि से करेंगे, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे लेकिन आपको नौकरी में उन्नति मिलेगी। सितंबर की बात करें, किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, वृषभ राशि वालों को किसी भी विवाद में नहीं पड़ना है, नए काम की शुरुआत होगी। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको नए काम की शुरुआत होगी। वहीं अक्टूबर की बात करें, आपकी आमदनी की वृद्धि होगी, विवाद खत्म होगा और खर्चे बढ़ने का की संभावना दिख रही है। नवंबर की बात करें, आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना है और नौकरी में या फिर व्यापार के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको व्यापार के ही लिए या फिर कर्म क्षेत्र में है, किसी कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी के कार्य से आपको बाहर जाना पड़ सकता है। नवंबर का महीना आपके लिए शुभ होगा। वही दिसंबर की बात करें तो शादी के प्रस्ताव आ सकते हैं, नौकरी कारोबार अच्छा होगा और आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए भी ये जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है ये आपके लिए लाभकारी होगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम में बैठे हुए हैं। इससे आपको अगर लंबे समय से किसी रोग से आप जूझ रहे हैं तो रोग से आपकी छुटकारा मिलेगा रोग से, और आपको अगर कोई छोटी मोटी परेशानी या पैर आदि संबंधी दिक्कत है तो आपकी परेशानी दूर होगी। जुलाई की बात करें कि मिथुन राशि वालों को जुलाई में क्या होगा, जुलाई में आप वाहन के पीछे, हो सकता है आपका गाड़ी आदि की चीजें कुछ खराब हो जाए तो आप में इसमें धन का व्यय हो सकता है,
और खर्च बढ़ेगा, इसके साथ साथ कारोबार की भी बढ़ोतरी होगी। अगस्त की बात करें, आपको शुभ समाचार मिल सकता है और किसी भी गलत कार्य में न फंसे, किसी की बहकावे में ना आए, चूंकि मिथुन राशि वाले छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा वाले होते हैं, किसी की बातों में आसानी से आ जाते हैं, तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। सितंबर की बात करें तो आपको धन लाभ होगा, बिजनेस में नुकसान हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में आप लोगों को नई गाड़ी लेने का योग बन रहा है, पार्टनर, नए पार्टनर आपके बन सकते हैं। अगर कोई आप बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो नए पार्टनर बन सकते हैं। वहीं विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँ, विद्यार्थियों को विद्या में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। नवंबर की बात करें, नवंबर का समय, चूंकि शनि अष्टम में बैठा हुआ है, तो मिथुन राशि में शनि जब अष्टम में है तो नवंबर के समय आपको दुर्घटना से बचना पड़ेगा, दुर्घटना की स्थिति दिख रही है, अतः आप वाहन आदि को सावधानी से चलाएंगे। सरकारी कार्य, अगर कोई काम आपका सरकारी क्षेत्र में जैसे पैसा वगैरह अटका हुआ है, कॉन्ट्रेक्टर आदि वगैरह का क्या होता है, पैसा रुक जाता है, तो इन्हें सरकार से पैसे की प्राप्ति होगी। वही दिसंबर की बात करें तो आमदनी बढ़ेगी, जैसे कि वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर दिसंबर अच्छा था, ठीक उसी प्रकार मिथुन राशि वालों के लिए भी आमदनी बढ़ेगी आपकी, हर काम में आप लाभ मिलेगा, कोई भी काम अगर आप शुरुआत करेंगे इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले के सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है, साल के अंत तक सप्तम भाव में बैठा हुआ हो और जुलाई के शुरुआत में अष्टम में गुरु बैठा होगा, लेकिन सितंबर के बाद ये भी सप्तम में आ जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। अगर आपकी शादी के रिश्ते की बात चले तो उसमें व्यवधान आ सकता है। जुलाई की बात करें, कर्क राशि वालों के लिए जुलाई में काम बनेगा, देखिए काम बनने के साथ साथ क्या होगा, खर्च भी बढ़ेगा, अगर आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा। अगस्त की बात करें, अगस्त में काम में परेशानी बढ़ेगी, लेकिन पैतृक कोई लेन देन चल रहा है, आपकी पैतृक संपत्ति है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। सितंबर की बात करें, सितंबर में कर्क राशि वालों का खर्च बढ़ेगा, लेकिन आपको एक चीज से मैं सावधान करना चाहता हूँ, कर्क राशि वाले, देखिए ये चंद्रमा की राशि है, अगर आपको किसी भी बुरी संगत या फिर बुरे नशे का लत है तो आप इस चीज को छोड़ दें, इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, आप नशे आदि में न फंसे, ये सितंबर का महीना आपके लिए ठीक नहीं है। वही अक्टूबर की बात करें तो पैसा आपका रुक सकता है, प्रॉपर्टी में खर्च होगा। नवंबर में आपकी आर्थिक परेशानियां बढ़ेंगी, परिवार में शांति बना रहेगा, देखिए आर्थिक परेशानी तो बढ़ेगी नवंबर में, लेकिन परिवार में शांति बनी रहेगी। दिसंबर की बात करें, 10 दिसंबर के बाद कर्क राशि वालों के लिए 10 दिसंबर के बाद आपका संघर्ष बढ़ेगा, अतः आप सतर्क रहें, कर्क राशि वाले जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच में सतर्क रहेंगे और शिव जी की उपासना करेंगे। वर्तमान में अभी जो है गुप्त नवरात्रि चल रहा है, आगे सावन चलेगा, आप शिव जी की उपासना करेंगे और सावन में ऐसा प्रयास करेंगे आपको पूर्णतः लाभ मिले। सिंह राशि वालों की बात करें, सिंह राशि वालों के लिए शनि जो है छठवें भाव में बैठा हुआ है, रोग कर्ज और शत्रु के भाव में बैठा हुआ है, आपको रोग शत्रु कर्ज से छुटकारा मिलेगा। जुलाई महीने की बात करेंगे तो जुलाई अच्छा सिंह राशि वालों के लिए नहीं है, और अगस्त की बात करें तो अगस्त में मान सम्मान बढ़ेगा, वही विवाद सुलझेगा, स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सितंबर की बात करें, आपको नए संपर्क जुड़ेंगे, कर्ज न लें, किसी से भी कर्ज लेने का प्रयास न करें, इससे आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है। अक्टूबर की बात करेंगे, देखिए सिंह राशि वालों के लिए 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये समय बहुत ही अच्छा है, धन को ले लीजिए, या फिर कोई आप नया कार्य शुरू करना चाह रहे हैं आपके लिए लाभप्रद होगा, तो ये 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आप इस समय का लाभ उठाएंगे, आपको लाभ होगा। वही नवंबर की बात करें, कैरियर में बढ़ोतरी होगी, अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन आदि में आपको सफलता के योग दिख रहे हैं, वही दिसंबर में सफलता उन्नति प्रमोशन आदि आपको मिलेगी, अतः आप सिंह राशि वाले दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य को नित्य अर्घ देंगे। वही कन्या राशि वालों की बात करें, कन्या राशि वालों के लिए शनि जो है पंचम भाव में बैठा होगा और भाग्य भाव में राहु बैठा होगा,
भाग्य भाव में राहु होने से आपको आलस्य का सामना करना पड़ सकता है, आपको कोई चीज करने का मन नहीं करेगा। आप चाहेंगे ये काम कर ले, लेकिन कुछ समय बाद आपका विचार बदलता रहेगा। जुलाई की बात करें, जुलाई में संपत्ति के अच्छा योग बने हुए हैं। जुलाई के मध्य में 15 जुलाई से जो है 25 जुलाई के बीच में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन जुलाई के अंत तक आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। अगस्त की बात करें, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में संकट का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य में कमी 16 अगस्त के बाद आपका समय अच्छा होगा। सितंबर की बात करें, सितंबर में धन हानि होगा, सावधान रहें, किसी भी तरह का रिस्क न लें। कन्या राशि वाले, अक्टूबर में शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कारोबार का अच्छा लाभ मिलेगा, नए कारोबार से आप जुड़ सकते हैं। नवंबर की बात करें, नवंबर में आपकी आमदनी बढ़ेगी, अगर आप किसी कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बोनस आदि की प्राप्ति होगी। दिसंबर में आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना होगा, जैसे स्वास्थ्य में, और विद्यार्थियों को अपने कैरियर में, पढ़ाई आदि में विशेष ध्यान रखना होगा। अब हम तुला राशि की बात करें, तुला राशि वालों के लिए, 12 राशियों में तुला राशि वालों के लिए शनि जो है चतुर्थ भाव में जाएगा, और ये तुला राशि वालों के जुलाई से दिसंबर का समय बहुत ही बढ़िया है, जो कहिए कि सबसे उत्तम तुला राशि वालों के लिए। जुलाई की बात करेंगे, स्थान परिवर्तन का योग है, थोड़ा सा जुलाई में आपको विशेष ध्यान देना होगा। पैसा आदि फंसने का योग दिख रहा है, वहीं स्वास्थ्य वगैरह में आप परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगस्त की शुरुआत कष्टकारी होगी, बाद में अत्यधिक उत्तम रहेगा। सितंबर में रोग आदि का विशेष ध्यान करेंगे और काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन विशेष लाभ का योग बना हुआ है। अक्टूबर में आप सतर्क रहें, विरोधियों से बचें, लेकिन नए काम की शुरुआत हो सकती है। जो रेस्टोरेंट आदि का कार्य करते हैं तुला राशि वाले, इनको विशेष लाभ मिल सकता है। दिसंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप शेयर से जुड़े हुए हैं, शेयर आदि में निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रख रहा है कि आपको लालच करने से बचना है। तो तुला राशि वालों के लिए यह जो जुलाई से दिसंबर का समय है बहुत ही अच्छा है, पर आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरे भाव में शनि है, तीसरे भाव में शनि होने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, भाग्य में लाभ मिलेगा, और जुलाई का समय 20 जुलाई से धन की स्थिति बहुत ही बेहतर होगी, और संतान से शुभ समाचार आपको प्राप्ति होगी। अगस्त में आपका इनकम और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। सितंबर में आपको अपने लक्ष्य पे काम करना होगा। अक्टूबर की बात करें, मान सम्मान में वृद्धि होगी, किसी से बहस ना करें, किसी पर आसानी से भरोसा ना करें। नवंबर की बात करें, कारोबार में सफलता का योग दिख रहा है, आपका संपर्क बढ़ेगा, नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा, आगे जाके आपका विकास होगा। दिसंबर में कारोबार में बढ़ोतरी होगी, नए वाहन लेने का संयोग दिख रहा है, आपको नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है। धनुराशि वालों के लिए द्वितीय भाव में शनि है, इसलिए अगर आपके प्रॉपर्टी केस वगैरह, आपके कुटुंबों से लड़ाई चल रही है, आपको विशेष ध्यान रखना होगा, कोर्ट केस में आप फंस सकते हैं। जुलाई की बात करें, धन लाभ की स्थिति है, नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। अगस्त में खर्चा बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा। अब सितंबर की बात करें, 16 सितंबर के बाद आपका अच्छा समय है। अक्टूबर में काम अटकेगा, आपको सेहत का लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर, जुलाई से अक्टूबर का समय बहुत अच्छा नहीं, वही नवंबर से लेकर दिसंबर तक अच्छा है। नवंबर में आप किसी बड़े बुजुर्ग का सलाह लेके कार्य करें, धन लाभ का सहयोग दिख रहा है। दिसंबर की बात करें, नए वाहन लेने का, जैसे कि वृश्चिक राशि में नए वाहन का योग दिख रहा था, धनु राशि वालों के लिए भी योग दिख रहा है। आलस्य न करें, आपको प्राप्ति होगी। तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक थोड़ा सा समय खराब है, उसके बाद दिसंबर तक धनु राशि वालों के लिए अच्छा है। मकर राशि वालों के लिए देखिए, साल के अंत तक राशि में ही शनि वक्री होके बैठा हुआ है, और आपके लिए शनि क्या करेगा, हर काम विलंबित करेगा, लेकिन आप जो चाहेंगे वही होगा। जुलाई का समय रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा, शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अगस्त में रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, धन लाभ का संयोग दिख रहा है। सितंबर में कार्य में तनाव, संतान से कुछ विवाद हो सकता है, क्योंकि पंचम में राहु बैठा हुआ है तो संतान में विवाद हो सकता है। नवंबर में आप सबका सहयोग लेके काम करें, बिजनेस में सूझबूझ का परिचय दें, और अगर आपको पेट संबंधी दिक्कत है, लीवर आदि में तकलीफ है, तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा, डॉक्टर आदि से परामर्श जरूर लें। दिसंबर में आर्थिक सुधार हो सकता है, नए फैसले
लेने से बचे। और शनिवार मकर राशि वालों के लिए आप हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो आपको लाभ होगा। वही कुंभ राशि की बात करें तो 12वें भाव में शनि आपका साल के जुलाई से लेकर दिसंबर तक 12वें भाव में गोचर करेगा। तो शनि क्या करेगा, आपको आपको विवादों विवाद कराएगा, आपको तकलीफ में डालेगा, आपका खर्च बढ़ाएगा। क्या होगा, इससे जुलाई महीने की बात करें तो सेहत में गिरावट होगा, काम रुकेगा आपका। अगस्त में घर में क्लेश होगा, बिजनेस में नुकसान हो सकता है। सितंबर में रोजगार का नया अवसर प्राप्त होगा, आप अगर ऑफिस अपना चला रहे हैं तो हो सकता है स्थान परिवर्तन हो। अक्टूबर में आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य बनी रहेगी, ना ज्यादा घटेगा ना बढ़ेगा। नवंबर की बात करें आमदनी घटेगी और आपकी मन की स्थिति थोड़ा खराब, थोड़ा विचार आपका सही से कार्य नहीं करेगा तो कोई फैसला आप इम्पोर्टेंट नहीं लेंगे। दिसंबर की बात करें नए डील्स हो सकते हैं, आपको नए काम मिल सकता है, आपको धन का लाभ मिलेगा और बढ़ोतरी होगी। तो दिसंबर का समय कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए शनि जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है, एकादश भाव में होके ये संतान से क्या करेगा, थोड़ा सा मतभेद कराएगा, वही जो है आपको धन की प्राप्ति कराएगा, नए नए डील्स आपको हो सकते हैं। जुलाई की बात करेंगे सफलता में रुकावट होगी, सफलता ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको वो परिणाम नहीं मिलेगा। वही अगस्त की बात करें आप गलत संगत में न पड़े, कोई भी फैसला आप सोच समझ के लेंगे, नए आप व्यापार करने जा रहे हैं आप इसकी अच्छे से प्लानिंग करेंगे तब जाएंगे। सितंबर की बात करें सितंबर में आपका खर्च बढ़ेगा, यात्रा हो सकता है। अक्टूबर में नए संपर्क बढ़ेंगे, सावधान रहें, आपके पैरों में कमर के नीचे के भागों में तकलीफ हो सकती है, जोड़ आदि में दर्द का सामना करना पड़ेगा। नवंबर में आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, नए पद या नए पद की प्राप्ति हो सकती है, आपके हो सकता है प्रमोशन हो जाए, आपको नए नौकरी की प्राप्ति हो, कंपटीशन का अगर रिजल्ट आने वाला है तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी मीन राशि वालों आपको नवंबर महीने में, और लाभ की भी प्राप्ति होगी व्यापार करने वालों को। दिसंबर की बात करें दिसंबर में आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आपकी आमदनी बढ़ेगी, लेकिन आग और पानी से आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो मैंने राशि का गोचर के हिसाब से, राशियों के गोचर के हिसाब से मेष से लेके मीन राशि तक जो मैं फल बताया ये चंद्रमा पर आधारित था, नक्षत्रों पर आधारित था।